इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजीज, यानी कि हमारे सिस्टम को ऑथेंटिसिटी के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक यूज़र को पहचानते हैं या उसको रिकग्नाइज करते हैं ताकि वो सिस्टम में एंटर कर हो सके। तो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। पहली जो इसके अंदर स्ट्रेटजी है या पहली मेथोडोलॉजी जो है इसके अंदर, वो है उसका नाम है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और सेकेंड हम पढ़ेंगे आज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम पिन भी कहते हैं। बारी बारी इन दोनों को पढ़ेंगे। आगे चल के भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी हम कुछ और मेथोडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या होता है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दरअसल ये हमारे पास एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो कि हम सेट करते हैं जब भी कोई शख्स हमारे सिस्टम में एंटर होना चाहता है। तो हम उस शख्स को एक यूज़र नेम असाइन करते हैं और उसको एक पासवर्ड देते हैं, इसकी मदद से वो हमारे सिस्टम में एंटर हो सकता है। तो यूज़र नेम जो है ये दरअसल होता क्या है, यूज़र नेम किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करता है ऑन कंप्यूटर सिस्टम। जब भी कोई शख्स कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस करना चाहता है तो यूज़र नेम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हम उसको पहचानते हैं। और ये जो यूज़र नेम है इस्तेमाल होता है एक पासवर्ड के साथ, जो कि एक सीक्रेट कोड होता है जो कि उस शख्स को पता होता है जो जिसने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना है। जबकि जो यूज़र नेम होता है वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड का नॉन पार्ट होता है, यानी इसका हमें पता होता है। किसी भी शख्स का यूज़र नेम तो हम जान सकते हैं, लेकिन हमें उसके पासवर्ड का कभी भी नहीं पता चलेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट लिया है एक सिस्टम का, जिसके अंदर जब आप एंटर होने लगे तो वहाँ पर आपके सामने ये स्क्रीन आ गई, इसमें ये लिखा हुआ था कि आपने अभी यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर करना है और आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ लॉगिन का बटन है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सिस्टम है ये लॉगिन हो जाएगा और आप सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगी, जिससे आप उस सिस्टम के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है यूज़र नेम एंड पासवर्ड की, ये दरअसल लॉगिन इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर में आपने ब्राउज़र ऑन किया, ब्राउज़र में आपने कोई वेबसाइट विजिट करनी है। तो जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप उस वेबसाइट पे आपके, लेट सपोज के ये स्क्रीन, यहाँ पे जो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। अब आप जैसे ही वहाँ पर कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू ये पैगाम उस वेबसाइट के वेब सर्वर तक पहुँचा देता है। अब वेब सर्वर जो है उस पे पास बहुत ही ज़्यादा डाटा होता है दुनिया जहान की यूज़र्स का, जो भी उस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हैं। इस वेब सर्वर के पास एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स होते हैं। तो आपने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया था अपने कंप्यूटर पे, वो दरअसल इस वेब सर्वर पे चेक होता है कि क्या आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड इस सर्वर में मौजूद है या नहीं। अगर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड इस सर्वर में मौजूद होगा तो फिर आपका वेब सर्वर यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा इंटरनेट के थ्रू और आपके कंप्यूटर में पैगाम आएगा कि आपका जो है वो लॉगिन हो चुका है और अब आप उस वेबसाइट पे एंटर हो सकते हैं। और लेट सपोज अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपका गलत एंटर होता है तो फिर क्या होगा कि आपके वेब सर्वर में जो लिस्ट है यूज़र नेम एंड पासवर्ड की, वहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मौजूद नहीं है तो आपको पैगाम भेज दिया जाएगा कि आपने गलत यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया है इस वेबसाइट में एंटर होने के लिए। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी है यूज़र नेम एंड पासवर्ड की, किस तरह से एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड काम करते हैं। ये एग्जांपल हमने वेब सर्वर के लिए, इसके अलावा लोकल सर्वर के ऊपर जो कि आप घरों में यूज़ कर रहे हैं, या अगर आपने कोई एक सर्वर घर में रखा हुआ है और उससे आपके घर के तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वो तमाम भी जो है वो इसी तरीके से काम करेंगे कि आप तमाम यूज़र्स को एक पासवर्ड या यूज़र नेम दे देंगे और तमाम की इन्फॉर्मेशन आपके लोकल सर्वर पर होगी और इसी तरह से ये तमाम वर्किंग होगी। तो हमारे लिए एक वेब सर्वर या कोई भी सर्वर इसके अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अब चलते हैं सेकंड मेथडोलॉजी की तरफ, जो कि ऑथेंटिकेशन में हमारी मदद करती है किसी भी यूज़र को रिकग्नाइज करने में। इसे हम कहते हैं पिन, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको हम पिन कहते हैं, ये दरअसल क्या है, ये एक न्यूमेरिक पासवर्ड होता है। एक ऐसा न्यूमेरिक पासवर्ड होता है जिसको जो कंजिस्ट करता है 4 से 6 डिजिट्स के ऊपर, और ये क्या करता है, यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है, यानी यूज़र को पहचानता है उस पासवर्ड से। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि जब कभी भी आपने अगर किसी सिस्टम में पिन एंटर करनी हो
तो जैसे ही आप अपने किसी सिस्टम में एंटर होने के लिए पिन एंटर करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ये पिन आपने एंटर की है ये सर्च होती है उस डेटाबेस में, उस सिस्टम का जो डेटाबेस होता है उसके अंदर उस पिन को सर्च किया जाता है। तो जैसे ही उस डेटाबेस के अंदर उस पिन मिल जाती है तो उसके पास उसके बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डेटाबेस में पिन मौजूद होगी इसका मतलब कि यस, या तो डेटाबेस में पिन मौजूद नहीं होगी इसका मतलब कि नो। तो अगर आपकी पिन जो है वो डेटाबेस में मौजूद है यस, तो आपको पैगाम आ जाएगा कि आप उस सिस्टम में एंटर हो चुके हैं और आपको एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा। उसके मुकाबले में अगर आपको मैसेज अगर आता है कि नो, अगर डेटाबेस में आपकी पिन मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे और उसमें लिखा होगा रॉन्ग पिन, यानी कि आपने गलत पिन एंटर की है। डेटाबेस जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, डेटा ऑफ जो हम कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि हम किसी भी वेब सर्वर पे या किसी भी सर्वर पे हम उसको स्टोर करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कि ये हमारे पास एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन के लिए इसको महफूज बनाने के लिए हमने इस पर एक पिन कोड लगा दिया है। तो जब कभी भी आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे तो आपके सामने एक पिन कोड आएगा। जैसे ही आप पिन कोड एंटर करेंगे तब आप मोबाइल फ़ोन के फंक्शंस तक एक्सेस कर सकेंगे। तो ये पिन कोड सेट किया जाता है मोबाइल के अंदर ही, और मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है यानी मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है वहाँ पे इस पिन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और जैसे ही आप पिन एंटर करते हैं तो वो फौरन पिन जाके चेक होती है इंटरनल मेमोरी में, अगर तो पिन ठीक होती है तब आप उस मोबाइल में एंटर हो जाते हैं, अगर पिन गलत होती है तो आप उस मोबाइल में एंटर नहीं हो सकते। इसलिए इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास है एटीएम मशीन की। जैसे ही आप एटीएम मशीन में जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए तो यहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें आपको कहा जाता है कि एंटर पिन। जैसे ही आप पिन एंटर करते हैं तो फिर आप उस एटीएम मशीन के जो फंक्शंस हैं वहाँ तक आपका एक्सेस होता है और आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप गलत पिन एंटर करते हैं तो फिर आपको एक पैगाम यहाँ पे आता है कि आपने गलत पिन एंटर की, यानी आपने रॉन्ग पिन एंटर की है। तो ये दो एग्जांपल्स थी पिन की। तो आज इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किस तरह से जो ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज हमने दो मेथडोलॉजीज पढ़ी, यूजर नेम एंड पासवर्ड और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद की जो वीडियोज होंगी उसके अंदर हम मजीद ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे।